हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन सदन में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सुजानपुर के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा ने मानव भारती यूनिवर्सिटी में हुए फर्जी डिग्री मामले को उठाया। राजेंद्र राणा ने कहा कि 2007 में भाजपा सरकार निजी विश्वविद्यालय बिल लाई और एक ही जगह आधा दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोल दी। अब मानव भारती यूनिवर्सिटी में 6 लाख फर्जी डिग्रियों में 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिससे प्रदेश की बदनामी हो रही है। ये गोरखधंधा कैसे आगे बढ़ा और किन लोगों ने इसमें पैसा खाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फर्जी डिग्री मामले पर कहा कि ऐसे मामलों की जांच में ना गुरेज किया है और ना करेंगे। टेक्नोमैक घोटाले में जिस तरह की कार्रवाई की गई है, स्कॉलरशिप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, उसी तरह मानव भारती यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामला जैसे ही सामने आया जांच शुरू हुई। 5 गिरफ्तारियां हुई, 3 को जमानत मिली है, 2 अब भी जेल के अंदर है। देवभूमि में ऐसे फर्जीवाड़े नहीं चलेंगे। एसआईटी मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। सरकार ने राज्य गुप्तचर विभाग की 19 सदस्य एसआईटी की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। ईडी को भी इस मामले की जांच के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर। हिमाचल प्रदेश में 2007 के दिसंबर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2008 में विधानसभा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके ये सरकार आई, और उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके से बांटी जैसे मूंगफलियां बांटी जाती हैं। आप ये देखिए कि सोलन जिला कैसा है जहां 9 यूनिवर्सिटी आज की डेट में काम कर रही हैं और एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटीज हैं। और अब ये जो मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो विषय आया है, इस व्यक्ति का पिछला जो रिकॉर्ड है, 98 में हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल कोर्सेज जब शुरू हुए तो सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में 3 जगह इसने कोर्सेज चलाए। और ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर बिलासपुर में 420 का मुकदमा उस समय भी दर्ज हुआ कि इसका जो शुरू से ही ऐसा करेक्टर रहा है कि ये फर्जी काम करने में माहिर है। उसके बाद जब FIR दर्ज हुई तो ये करनाल चला गया क्योंकि हरियाणा का रहने वाला है, और हरियाणा के बाद जब उसने वहां पर अपना इंस्टीट्यूशन चलाया, उसके बाद ये जब 2008 में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया है तो इसने कुम्हारहट्टी के पास जो है मानव भारती यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। और हैरानी तब हुई कि जब इसने अप्लाई किया तो उस समय जो हिमाचल प्रदेश सरकार से जो नियम तय हुए उसमें 50 बीघा जमीन जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जो है जरूरी थी, और इसके पास 30 बीघा जमीन थी। उसके बावजूद भी 2 बार इसकी जो है वो यूनिवर्सिटी का जो LOI जो लेटर ऑफ इंस्पेक्शन है वो रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्ट होने के बाद कौन मिडल मैन आए लोग, किन्होंने सरकार के साथ जो है तालमेल कराया, क्या लेन देन हुआ, और 30 बीघा जमीन में ही इसको परमिशन जो दी गई। और मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि उस समय भी लेन देन हुआ। और अब जो मामला पिछली विधानसभा में आया कि हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का धंधा चल रहा है, तब भी सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने इस बात को अपोज किया कि नहीं, ये जो है अपोजिशन वाले जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही विधानसभा में मामला उठा, इसके पास जो रिकॉर्ड था इसने यहां से शिफ्ट करके जो है वो राजस्थान में भेज दिया, क्योंकि यहां पर सोलन में यूनिवर्सिटी लगाने के बाद इसने 2013 में राजस्थान में माधव यूनिवर्सिटी के नाम से वहां भी यूनिवर्सिटी 100 बीघा में बनाई। ये व्यक्ति जो है ये 10th पढ़ा हुआ है और लैब टेक्नीशियन का जो है इसने कोर्स किया हुआ है। आज इस व्यक्ति के नाम के साथ 2 PhD की डिग्रियां जो है लगी हुई। PhD की डिग्री करने के लिए लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, और ये व्यक्ति, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये फर्जी डिग्रियां जो है पैसे लेकर बेच रहे हैं। अब ये देखिए, जब ये मामला उठा इसने अपनी जो फैमिली थी उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया भेजने के साथ साथ ये जो सारा इंक्वायरी चली इस दौरान जो है वो इसके जो मानव भारती विश्वविद्यालय जो है इसकी इनके पर्सनल अकाउंट से, यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जो है 1 करोड़ रुपया निकला। और जब ये निकला, जो इंक्वायरी चली उसमें बहुत सारी डेट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है कब कब कितना पैसा निकला। और जब रेड हुई तो इनके पास ऐसी ऐसी डिग्रियां वहां पर मौजूद पाई गई जिनके पास इनके कोर्स चलाने की इजाजत भी नहीं थी। और ये सारा का सारा मामला पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, अब मामला ये है कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं, हम ये कहना चाहता हूं कि जब ये 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया उस समय जो है हायर एजुकेशन के अधीन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी दी गई, और 2013 में जो है
ये जो है रेगुलेटरी कमीशन जो है लाया गया। अब प्रश्न ये है कि जब 5 से 6 लाख डिग्रियां इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से फर्जी डिग्रियां बेचने के आरोप हैं और 2000 करोड़ रुपए का स्कैम की चर्चा समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रही है, पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की जो SIT बनाई गई थी उसको भी फेरबदल किया गया, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जो पैसा निकला है उनके अकाउंट से, हालांकि ये जो विश्वविद्यालय है इसमें जो डिग्रियां थी उसमें जो फर्जी डिग्रियां थी उनकी वेरिफिकेशन जो होती 4th फ्लोर पे होती थी और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो R से शुरू होती थी, और जो असली डिग्रियां थी जो लोग पढ़ते भी थे वहां पर वो S से शुरू होती, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो 1st फ्लोर पे होती थी, और फर्जी डिग्रियों की भी वेरीफाई करते रहे और कई बार अपनी ही डिग्री जो वेरीफाई की है उसको भी बाद में इन्होंने रिजेक्ट किया। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, पर मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि आज सदन में भी ये मामला मैंने उठाया है कि जब करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, और ये मामला को हिमाचल से ही जुड़ा नहीं है, ऐसा इसने इन्होंने जो डिग्रियां बेची हैं वो पूरे हिंदुस्तान में के साथ साथ विदेशों में भी लोग पहुंच गई हैं, तो जब ये इंटरनेशनल लेवल का मामला बन गया है तो क्या कारण है कि सरकार इस मामले को CBI को देने से गुरेज कर रही है, किन लोगों को सरकार जो बचाना चाह रही है। दूसरा, पैसा जब विदेशों में गया है, परिवार विदेशों में भेज दिया गया है, तो इस मामले को ED के हवाले करने से क्यों सरकार गुरेज कर रही है, कौन लोग हैं जिनको सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, और वो कौन व्यक्ति है, मिडलमैन कौन है जो वोकेशनल कोर्सेज जो है एक धर्मशाला में चलाता है और एक व्यक्ति पालमर से बताया जाता है जो इस डील को जो है मिडलमैन के तौर पर काम जो है कर रहे थे, उनको भी बचाया जा रहा है, कौन पुलिस का अधिकारी है, उच्च अधिकारी जिसको जो पैसा पहुंचा है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं। और अगर ये मामला CBI को दिया जाता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस हमाम में जो है वो नंगे होंगे, और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा मामला है, और जब फर्जी डिग्रियां जो बेची जाती हैं, जो लोग असली पढ़ने वाले हैं उन लोगों के दिलों पे क्या गुजरती है, और इससे भी गंभीर मामला यह है आज कि मैंने मुख्यमंत्री से भी बार बार आग्रह किया है कि जिन लोगों ने यहां से पढ़ाई करी है और सचमुच में डिग्री ली है, हकीकत में यहां से पढ़े हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं, आज उनकी नौकरियों पे तलवारें लट गई, कईयों की नौकरी चली गई। मामला क्यों? क्योंकि वहां से जब वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जो है डिग्रियों के लिए भेजा जा रहा है तो वेरिफिकेशन हो नहीं रही है, कौन वेरिफिकेशन करेगा? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर किसी ने पढ़ाई करी है तो उसकी वेरिफिकेशन जो डिग्री के लिए कोई ना कोई जो यहां पर जो है व्यवस्था की जाए, तो सरकार जो है बिल्कुल सोई हुई है और सरकार इसको बिल्कुल हल्के में ले रही है, परंतु बार बार ये मामला मीडिया के माध्यम से उठ रहा है और लोगों का विश्वास जो सरकार से उठ रहा है।